यू कहने लगी, रे मेरे सासू ताने मारे मतना, मेरे नाम आ जाया वीर, भात मेरे कौन भरेगा, मेरे बाबुल हुए फकीर, आज जाऊं तो किसके यहाँ जाऊं। श्रोताओं मन मार के भात ने उतने के लिए चली भी गई। नरसी जी महाराज के पास नाई के द्वारा एक चिट्ठी भी आती है कि भात के समय आना और ये चिट्ठी में जो सामान है वो लेके आना। धीरे धीरे भात का समय होता है, 16 साधुओं को लेकर के नरसी जी भात न्योतने के लिए चले जाते हैं। भात न्योतने के लिए सिरसागढ़ में पहुंचे तो रहने के लिए जगह दे दी गौशाला। कुछ पणियारी पानी भरने के लिए जा रही थी, आपस में बातें कर रही है, देखो हरनंदी के भाती आ लिए बात भरने के लिए, क्या गपशप क्या बातें हो रही हैं, बाकी वाला सुनेगा रागनी के द्वारा कभी नहीं। क्या कर दिए मोटे चाड़े, एरी मोंड मुड़ा के आन पड़े, और मोंड मुड़ा के आन पड़े, और मोंड मुड़ा के आन पड़े, रिवे तो कर दिए मोटे चाड़े, कर दिए
तो हमने सोचा पापा जी को पूछ ले, हमें कोई गलत फहमी तो नहीं है। हमने जाके पूछा आप कौन हो, कहां से आए हो? बोले आपके जो सेठ जी हैं। कि वे न्यू बोली, हम पूछे थी तो वो न्यू बोले लाला जी के साड़े और हर नंदी तेरे बाप ने कर दिए मोटे चाड़े। दूसरी बात में सुनिएगा क्या मजा। कई मोढ़े वे आपस के मां बतड़ाए बतड़ाए, मरेंगे अड़े भूखे और पिसाए। कई मोढ़े वे आपस के मां बतड़ाए सुनोगे, इसमें खोओगे डूबोगे उतना ही मजा आएगा, उतना ही आनंद आएगा। तीसरी बात में यूं कहने लगी हरनंदी, आपस में पापा जी बातें कर रहे हैं, कुछ खाने पीने की सेवा होगी या भूखे मरना इधर? तीसरी बात में सुनेगा कवि ने क्या लिख दिया। शहर करे से उनकी हसीरी हसीरी, ये किसे भांति आए सत्यानासीरी। सारा शहर करे से उनकी हसीरी हसीरी, ये किसे भांति आए सत्यानासीरी। अरे किसे यूता ने एकड़वासी, किसे यूता ने एकड़वासी, किसे गई उन भोरे